अब मैं आपको अपने करेले के पौधे को दिखाता हूँ और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने इसे कैसे ग्रो किया, किन किन फर्टिलाइज़र का यूज करा। ठीक है, तो बहुत सारे वीडियो में आपको दिखता होगा कि सॉइल के अंदर ये मिला, उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, बहुत छोटे से पॉट में हमने इसको उगाया है। पहले मैं इसको आपको फल दिखाता हूँ। ये लगाए हुए करीब करीब मुझे 1.5 महीने हो गए और 1.5 महीने बाद देखिए ये एक फल कितना बड़ा सा फल आया है। ठीक है, ये देखिए मेरे हाथों हथेलियों से भी दोगुना बड़ा है। ठीक है, करीब करीब 6 से 7 इंच का फल एकदम मोटा सा आ रहा है और बहुत सारे छोटे छोटे फल लगे हैं। देखिए आप अगर ध्यान से देखो, ये एक छोटा सा फल हो गया, यहाँ देखिए ये एक छोटा फल हो गया, यहाँ देखिए यहाँ आपको 2 छोटे फल, तो ढेरों फल ये छोटे छोटे। देखिए यहाँ देखिए, आप ध्यान से दिख रहा होगा है ना, यहाँ एक छोटा सा फल आ रहा है, तो बहुत सारे छोटे छोटे फल आ रहे हैं और ये अब अपने पूरी पोटेंशियल के साथ ग्रो होना शुरू हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए हमने, अब ये थोड़ा सा मैंने इसके लिए एक सपोर्ट बनाया है, तो ये सपोर्ट से कभी कभी उतर जाता है तो मैं इसको सपोर्ट लगा देता हूँ। सिंपली दीवार पर मैंने एक घर में जो वेस्ट पड़ा हुआ वायर है उससे मैंने इसको लगाया है। ठीक है, ये बरसात का मौसम सितंबर का महीना है ना, इसको मैंने अगस्त में लगाया था। ये पॉट देखिए, बहुत ज़्यादा पॉट नहीं है, देखिए ध्यान से देखिए आप, बस 1 फीट का करीब करीब 1 फीट से थोड़ा ज़्यादा पॉट है। और इस पॉट के अंदर मैंने जो लगाया है, मैंने जो सॉइल मिक्स यूज किया है वो एक सिंपल आपका गार्डन सॉइल है। गार्डन सॉइल को जैसे शुरुआत में बोलते हैं ना, ये मिला वो मिला के इतनी सारी चीज़ें बताते हैं, उतना कुछ आपको करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, मैंने सिंपल सॉइल से स्टार्ट किया, जब पौधे में धीरे धीरे ग्रो आया तो मैंने कुछ फर्टिलाइज़र यूज़ किया। फर्टिलाइज़र मैं बता रहा हूँ, मैं बीच बीच में क्या करता हूँ, सरसों की खली का यूज करता हूँ। ठीक है, अब फर्टिलाइज़र मैंने बताया, कभी कभी सरसों की खली यूज कर लेता हूँ और घर के ही फर्टिलाइज़र यूज करता हूँ। जैसे घर में कभी केले सूख गए है ना, केले के छिलकों के सुखा के 2-4 दिन धूप में, कड़ी धूप में सुखा के उसका पाउडर बना के डाल दो है ना, थोड़ा नीम खली पाउडर वगैरह मिल जाए ये डाल दो, तो बहुत सिंपल खाद। और ज़्यादातर मैं गोबर खाद यूज करता हूँ, जो पुराने गोबर होते हैं ना उनका खाद मैं यूज करता हूँ। ठीक है, तो मेरा एक करेला काफ़ी बड़ा हो गया तो इसका मैं हार्वेस्टिंग कर लेता हूँ। ठीक है, को आप लोग अगर कभी तोड़ें तो ध्यान से कैंची से यूज करें। मैंने अभी हाथ का ही यूज करके इस करेले को हार्वेस्टिंग किया। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे अपने इंडोर गार्डन में लगा रखा है इसको, है ना, रूफ गार्डन आप बोल सकते हैं है ना, करेले है, कद्दू है। तो आने वाले वीडियोज में मैं बाकी सारी चीज़ें भी बताऊँगा और ये पॉट्स कैसे ग्रो करते हैं ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।